आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करनी है, मानवता से जुड़े हुए एक मुद्दे के ऊपर बात करनी है। दिल्ली के अंदर लगभग 34,000 ऐसे बुजुर्ग जो पहले एमसीडी के अंदर काम करते थे, उनके दुख दर्द को आपसे साझा करना है। साथियों, सबकी कोशिश यही होती है कि पूरी जिंदगी तो आदमी नौकरी करता है, 60 साल तक अपनी जितनी भी ताकत होती है कोशिश करता है कि अपना एक घर बनाए, बच्चों को पढ़ाए और रिटायरमेंट की एक प्लानिंग करके रखे। रिटायरमेंट के बाद उसको कोई दिक्कत ना आए, मेडिकली उसको कोई दिक्कत ना आए, अस्पतालों के पीछे उसको भागना ना पड़े, उसमें कोई दिक्कत आए तो उसको कोई खर्चा ना हो। इसके लिए हर आदमी किसी न किसी इंश्योरेंस का किसी न किसी तरीके से अपनी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर काम कर रहे 34,000 ऐसे एम्प्लॉयज हैं नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के अंदर, जो कि रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद एमसीडी के अंदर जो कैशलेस इंश्योरेंस की एक जो पॉलिसी चलती है, उस पॉलिसी को लिए हुए वो 34,000 लोग हैं जो कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नियम ये था कि जो व्यक्ति रिटायर होगा, रिटायरमेंट के समय वो कुछ पैसा एमसीडी को देगा और एमसीडी उस पैसे के माध्यम से दिल्ली के अंदर किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर वो अगर इलाज कराता है तो उसको एमसीडी की तरफ से एक तरीके से इंश्योरेंस था। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की तरफ से एक इंश्योरेंस था कि वो किसी भी, चाहे वो फोर्टिस में, चाहे वो मैक्स में, चाहे वो गंगाराम में, किसी भी अस्पताल में जाए उसका फ्री में इलाज होगा। ये पॉलिसी एमसीडी ने बनाई थी और इसके तहत उन्होंने हर कर्मचारी से, चाहे वो ग्रुप ए का हो, चाहे वो ग्रुप बी का हो, चाहे वो सी का हो, चाहे डी का, ग्रुप ए वालों से रिटायरमेंट के समय 1,20,000 रुपये लिए, ग्रुप बी वालों से 78,000 रुपये लिए, ग्रुप सी वालों से 34,000 रुपये लिए, चौवन चौवन सॉरी 54,000 लिए और ग्रुप सी से 30,000 रुपये रिटायरमेंट के समय लिए। लगभग 34,000 एम्प्लॉयज का अगर हम कैलकुलेट करें तो 221 करोड़ रुपए एमसीडी के खाते में इन बुजुर्गों ने जमा कराए। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के खाते में इन बुजुर्गों को जमा कराए। अब नियम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी है वो समय समय पर जो ये प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पैसे वो चुकाती रहे, उनके बिल जो है वो चुकाती रहे, जिससे जो बुजुर्ग हैं उनको पूरी जिंदगी के लिए इंश्योरेंस मिल जाए और साथ ही साथ उन बुजुर्गों को कोई पैसा ना देना पड़े, अस्पतालों के अंदर उनका इलाज हो जाए प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने इन 34,000 बुजुर्गों से पैसे तो ले लिए, 221 करोड़ रुपए तो ले लिए, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को 1 रुपया भी नहीं पहुंचा या प्राइवेट अस्पतालों को कुछ भी पैसे नहीं पहुंचे। उसका दुर्भाग्य यह हुआ कि जिन बुजुर्गों ने ये सोचा था कि उनका बुढ़ापा बहुत सही से निकलेगा, जो बुजुर्ग आज, किसी को कोरोना हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को और कोई दिक्कत है, जब वो आज प्राइवेट अस्पतालों के पीछे धक्के खा रहे हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कायदे से ये पैसे प्राइवेट अस्पतालों को पहुंचने चाहिए थे जिससे ये पूरी की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चले।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने कोई भी पैसा अस्पतालों को नहीं पहुंचाया, जिससे ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी थी, जो पूरा का पूरा एक व्यवस्था था, वो पूरी तरह से ढह गया। हमारा जो 34,000 बुजुर्ग हैं, उनकी गाढ़ी कमाई थी, उनकी मेहनत का पैसा था ये 221 करोड़ रुपए लगभग लगभग, जो उन्होंने एमसीडी को जमा कराए, लेकिन एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने वो पैसे न जाने कहाँ डाइवर्ट कर दिए, पता नहीं क्या कर लिया उस पैसे का। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आज आपके 1,25,000 एम्प्लॉयज जो हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनको वेतन नहीं मिल रही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 24,000 इनको, इन बुजुर्गों को, 34,000 बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं मिली है पिछले 3 से 4 5 महीने से, और जो हेल्थ की उनकी फैसिलिटी थी वो भी आपने चुरा ली, वो भी एक तरीके से वो सारा का सारा पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि जरा सी भी आपके अंदर खुददारी बची है, जरा सी भी बेशर्मी बची है, आपने भी देखा होगा आपके मेयर साहब के पास, आपके पार्षदों के पास ये बुजुर्ग जाते हैं, रोते हैं। एक मैंने देखा कि कोई एक लोकल चैनल थे, उन्होंने किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू भी लिया, उसमें बुजुर्ग बिल्कुल रो रहे थे, इतना बुरा हाल हो गया उनका। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 221 करोड़ रुपए तुरंत आप अस्पतालों को पहुंचाएं। इसमें तो किसी को ऊपर आप दोष नहीं मढ़ सकते, ये तो बुजुर्गों ने दिया है एक तरीके से हार्डकोर पैसा आपको, ये सारा का सारा पैसा आप अस्पतालों को दें, जिससे वो तुरंत अपना इलाज की व्यवस्था करा पाए। अगर ये 221 करोड़ भी आप अस्पताल, जो कि आपको बुजुर्गों ने दिया है, अगर वो पैसा भी आप नहीं डाइवर्ट करते हैं, तो जनता तो आपसे यही पूछेगी कि पैसा फिर गया कहाँ। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।